10 की पावर आ रही मेरे। ये भी मिर्च है, ये भी मिर्च है, ये एक जोड़ी लड़ी तो मैंने निकाल ली है, तो इनका धागा है ना, इनको मैं अलग कर दूंगी। 2 साल तक तो मैंने ऐसे ही टांगे ये, और अभी ये जो सफेद सफेद धागा इन पे अटैच हो रखा है ना, तो ये निकलने लग गया है। मैंने सोचा कि मैं इसको पूरा ही निकाल देती हूँ। और आज दोनों बच्चे अपनी अलमारी भी साफ कर रहे हैं, और कभी कभार बच्चों को काम सौंपना चाहिए, कभी कभार नहीं, वो अपनी अलमारी हमेशा ही अपने आप ही सही करते हैं। बहुत अच्छे से काना भी अच्छे से कर रहा है अपना काम, काना थक गया है। मम्मा ने यहाँ पे कोट पहन दिया, मम्मा को इतनी ठंडी लग रही है। और गाइस मैंने यहाँ पे सारा धागा निकाल लिया है, ये वाला, ये कुछ काम आ सकता है। हाँ ये काम आ सकता है। और यहाँ पर बच्चे निकाल रहे थे अपने कपड़े, और मैंने ये पहन दिया है बैठ बैठ के, बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी मेरे को। कितना सुंदर लग रहा है ये कोट मम्मा ने सिद्धपुर जब हम गांव जा रहे थे पिछले साल तब लिया था मैंने, 600 रुपए का। बहुत गर्म है, मतलब इसके साथ कुछ पहनने की जरूरत ही नहीं है। हाँ बस अंदर से सूट पहन लो, मेरे को इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। यहाँ पर हस्बैंड जी भी आ गए हैं ऑफिस से, और मेरे साथ सब्जी मंडी नहीं आ रहे, कह रहे तुम दोनों जाओ सब्जी मंडी, तो मैंने ले लिया है अपना स्टॉल और धखार के आए हैं ऑफिस से, तो नहीं बोलूंगी कि चलो मेरे साथ। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ आप लोगों का अपना मंडे मार्केट, जो कि हफ्ते में एक बार लगता है, और वहाँ पर सारा कुछ मिलता है मार्केट के अंदर। और मैं और बाबू जाएंगे, पापा ऑफिस से अभी आए हैं, तो सब्जी मैंने बना ली है, रोटी बनाने रह गए हैं, तो फटाफट से पहले मैं सब्जी ले आऊँगी, उसके बाद बनाऊँगी रोटी, क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाएगा ना, तो फिर मार्केट बंद हो जाता है। सदर बाजार से आएगी, सदर बाजार से आएगी रिंग, क्योंकि वहाँ पे 20 रुपए की 5 मिल जाती है। किसने हमें पागल कर दिया है, रिंग ले लेके जहाँ भी जाएगी, जिस मार्केट में जाए, छोटे से छोटे बड़े से बड़े रिंग ले लो। मैं तो नॉर्मली भी 2 रिंग पहनती हूं। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं मार्केट में, तो यहाँ से शुरू हो जाता है मार्केट, और अभी इधर से घूम के जाएंगे हम लोग, और जिधर सब्जी लगती है फिर उधर को पहुंचेंगे। तो सारा कुछ मिल जाता है जैसे दिल्ली के लोकल मार्केटों में मिलता है। और ये वुलन में फ्रॉक आ रखी है, कितनी प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है। ये देखिए गरम में है, ये ऊपर से गरम कपड़ा लगाया हुआ है, ये भी है, ब्लू भी है, अच्छी है। ये कपड़े आ गए हैं वुलन के, यहाँ पर ये गरम सॉक्स मिल रहे हैं, 100 रुपए के 4 है भैया। 15 चाय का हो गया। ये वाला कितने का है भैया? कांच ये पिंक वाला कितने का है? 300 रुपए कोई भी लो, 300 रुपए का है। कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हाँ ये वाला ना, ये जैसे सदर बाजार में मिलते हैं ना सस्ते सस्ते, तो 300 रुपए के थे ये, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पर प्लास्टिक का सामान मिलता है बहुत अच्छा अच्छा, ये देखा ट्रेन है, 10 की पाव बना रही मेरा। ये भी मिर्च है, ये भी मिर्च है, ये अदरक वाला 20 रुपए की, आधा अदरक नींबू अदरक। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह सुबह का टाइम नहीं है, 8:30 हो गए हैं, तो अभी काम आधा हुआ है आधा नहीं हुआ है। और हाँ मैं ना सुबह सुबह एक वीडियो देख रही थी, उसमें देख रही थी मैं,
दिल्ली में आप लोगों ने सुना होगा प्रगति मैदान का मेला लगता है, तो वो 19 तारीख से लेकर 27 तारीख तक आप लोगों के लिए खोला जाएगा। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और इस हफ्ते कुछ और नया होने वाला है जिसका कि आप लोगों को भी इंतज़ार था। तो शायद गांव जाएंगे, लेकिन किस दिन जाएंगे ये मुझे अभी कन्फर्म नहीं है, और जिस दिन कन्फर्म हो जाएगा तो उस दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। तो चलिए अभी मैं बना देती हूँ फटाफट से नाश्ता, और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो आज नाश्ते में बन रहा है पालक पनीर काना के पसंद का, और काना को खाना है पालक पनीर। और काना की तबीयत ख़राब हो गई थी परसों शादी में गया ना, चौमिन भी खा ली वहाँ, गोलगप्पे और कोल्ड ड्रिंक पी ली, और गाँव वालों के सामने इतना, मायके की शादी होती ना तो थोड़ा सा डांट फटकार के, और थोड़ा सा ससुराल वालों के सामने ऐसा लगता है ना, अजीब सा लगता है, बोलेंगे कि कैसे मार रही है बच्चे को, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। और पापा के साथ था वो अपने, और पापा भी अपने दोस्तों में लगे हुए थे, और काना ने अपनी तबीयत ख़राब कर ली, दवाई मैंने काना को पिला ली, और काना अभी सोया है। वैसे तो काना ठीक है, थोड़ा सा अजीब सी उसकी थोड़ी सी तबीयत मेरे को, क्योंकि ये बिना डॉक्टर के ना फिर ठीक नहीं होता है, तो ऐसा लग रहा है मुझे कि डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। और बाबू ले रही है वहाँ क्लास, उसकी क्लास 8 बजे से स्टार्ट हो गई थी। तो चलिए अगर ना संभव हो सकेगा तो मैं आप लोगों को विश्व व्यापार मेला प्रगति मैदान लेकर चलूँगी किसी दिन, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे देशों के, मतलब अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यापार मेला है ये, और यहाँ पर ना जितने भी एशिया के राष्ट्र है ना, तो उन सब का स्टॉल लगता है वहाँ पे, और प्रत्येक राज्यों का भी लगता है। तो मैं दिखाऊँगी आप लोगों को अगर जाऊँगी तो। तो यहाँ पर रखा है सब्जी का थैला जो कि मैं कल रात को लाई थी, और हफ्ते में एक ही बार जाना होता है सब्जी मंडी, कभी कभार दो बार भी चले जाते हैं। और हमारी जो सोसाइटी के आसपास सब्जी वाले बैठते हैं ना, बहुत ज़्यादा महंगी देते हैं, इतनी ज़्यादा महंगी देते हैं ना कि अगर मंडी में वो चीज़ 20 रुपये किलो मिल रही हो ना, तो यहाँ पर 60 रुपये किलो मिलेगी, क्योंकि यहाँ से ऐसा एरिया नहीं है कि कहीं पर भी सब्जी वाले बैठ जाते हैं, सोसाइटियों का एरिया ना, तो इसलिए। और यहाँ पर अभी मैं ये जो सब्जी है सारा धो लूँगी, और दो थैलों में लेके गई थी, आप लोगों को मैं कीवी दिखा रही हूँ, और ये गाजर लाई हूँ, और चुकंदर लाई हूँ, बाकी सारी नॉर्मल सब्जियाँ हैं, मूली वगैरह, प्याज आलू, और प्याज आलू के बिना तो चलता नहीं है घर। और मेहंदी में लगाने के लिए ना नींबू, और कौन दिखा रही हूँ मैं आपको, कौन बनाऊँगी बच्चों के लिए, तो धो देती हूँ मैं इस सारी सब्जी को। सब्जी तो मैंने निकाल ली है, इनको ऑफिस की देर हो रही है, तो मैंने सोचा कि फटाफट से मैं ये चाय भी पी लेती हूँ साथ साथ में। और पालक मैंने यहाँ पर बिन के रख लिया है, तो पालक पनीर बन रहा है आज, और साथ में पी रही हूँ चाय और बिस्किट। अभी मुझे जाना है मार्केट, जो मच्छर मारने का रैकेट होता है ना वो लाना है मुझे, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है। और कल इसके पापा मेरे से मजाक कर रहे थे कि आपने इतने मच्छर मार लिए हैं कि कोई एक मच्छर आएगा आपका दुश्मन बन के बोलेगा तूने मेरी चाची को भी मारा, ताई को भी मारा, नानी को भी मारा और मम्मी को भी मारा, पर कोई बात नहीं। हाँ राघव भी कह रहा था, राघव के पापा भी कह रहे थे, पापा भी तो कह रहे थे काय की बड़ी सब मार दी बोलती लोलो का। तो चलिए अभी चलेंगे मार्केट, हमारे पास वाले मार्केट में, और वहां से मुझे रॉकेट लाना है एक, और बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अब बहुत रहम कर लिया मैंने मच्छरों पे, इतने ज्यादा मच्छर हो रहे हैं ना यहाँ पर, इसलिए मच्छर आते हैं कि जो ये बालकनी का गेट है ना, यहाँ पे जाली वाला दरवाजा नहीं है, पूरी सोसाइटी में जाली के दरवाजे हैं, लेकिन उन मकान मालिक ने, पता नहीं उन अंकल जी ने यहाँ पे दरवाजा ही नहीं लगाया। हमने बोला भी था, मैंने तो बहुत बोला आने से पहले, पर क्या करें हमारी मजबूरी थी, यहाँ पे आना नहीं, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। और लोकेशन वाइज अच्छा है ना फ्लैट, आगे पार्क है, खुला खुला है, तो इसलिए हम आ गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स पहले मैं कपड़े उठा लेती हूँ। तो मैं ले आई हूँ, और मार्केट में फ़ोन लेके नहीं गई थी, क्योंकि मुझे ये वाला फ़ोन जिससे मैं ब्लॉगिंग करती हूँ वो फ़ोन को ले जाने में थोड़ा सा डर सा लगता है, तो मैं हर वक्त नहीं लेकर जाती हूँ इसको। मेरे पास बड़ा पर्स होता है तो मैं तब लेकर जाती हूँ, टांगने वाला पर्स ना,
और हाथ वाला पर्स होता है तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेके जाती हूँ, मेरे अंदर डर बैठी हुई है। एक बार मेरा पर्स और फोन चला गया था, छीन लिया था किसी ने। ये रैकेट लेके आई हूँ मैं 250 रुपये का, और लोकली है, चाइनीज है। और एक हिटका लाई थी मैं पहले, तो वो बहुत ही बेकार, मतलब इतना गंदा निकला कि 2 महीने भी नहीं चला। वो 600 रुपये का था, और अभी मैं 250 रुपये का ले आई हूँ। लेकिन मेडिकल स्टोर वाले कह रहे थे, भैया कह रहे थे कि हिटका हमारे पास से ले जाना, अगर ख़राब हो मैं आपको दूसरा रैकेट दूंगा, अगर ख़राब होगा तो देखते हैं ये कितना चलता है। इस पर टॉर्च भी है, जैसे अंधेरे में ना हम मच्छर मार रहे हैं और लाइट नहीं जलानी है। तो ये देखिए, थोड़ा सा सांस फूल गई है मेरी, थकान लग गई मेरे को, इसलिए हाँप रही हूँ। तो ये टॉर्च भी दे रखा है यहाँ पे, और ये बटन दे रखे हैं, देखते हैं। और इसको जब ज़्यादा चार्ज कर देते हैं ये, तब ख़राब होते, नहीं तो ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। हम क्या करते हैं, हम लोगों को पता नहीं होता ना, तो हम क्या करते हैं कि इसको ना चार्ज लगा देते हैं रात में और सुबह निकाल लेते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ, बहुत ज़्यादा चार्ज करती हूँ मैं, तो इसको तब चार्ज करना है जब ये मच्छर मारना बंद करे, नहीं तो उससे पहले इसको चार्ज नहीं करना बिल्कुल भी, चाहे कितनी भी लो लाइट हो इसकी। तो है, और यहाँ से चार्ज लगाना है ऐसे करके, और इसके ना जो ये किनारे हैं तो किनारों पे नहीं पटकाना है ये, अगर किनारों पे लगे ना तो ये जल्दी ख़राब हो जाता है। और धीरे से रखना है, कहीं पर भी रखना है, और 1 घंटे से ज़्यादा इसको चार्ज नहीं लगाना है, जब बिल्कुल चार्ज ख़त्म हो जाए। मतलब किस किस को मीठी दही अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। हस्बैंड जी लाए थे राघव के लिए और वो बिल्कुल नहीं खा रहा, तो मैंने सोचा कि वेस्ट क्यों करना है। और यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए बना रही हूँ दूध, और उधर रखा हुआ है दूध गर्म करने के लिए, ये पैकेट वाला दूध मैंने सुबह गर्म नहीं किया था, और यहाँ पे बच्चों के लिए दूध बन रहा है। और यहाँ पर काना रो रहा है, जिद कर रहा है कि टेबल भी मेरे आगे रखो और बायजूस का जो टैप है वो भी मेरे को दो। तो बायजूस लिया हुआ है हमने बड़ी वाली के लिए, बाबू के लिए, तो ये ले लिया था हमने 5th क्लास से लेके 8th क्लास तक का है। और काना का तो है भी नहीं क्लास अभी, काना 3री में गया है, मतलब 3rd क्लास में है, अभी 4th में आप जाएगा, तो उसके काम का कुछ नहीं है। लेकिन वो रोना धोना मचाया हुआ है यहाँ पर, और दीदी दे नहीं रही है, दीदी उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती, अपने आप को थोड़ा सा इंटेलिजेंट ज़्यादा ही समझ लेती है। तो यहाँ पर ये देखिए बहस हो रही है मेरे साथ भी काना की। तो चलिए गाइज, बस ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो ना तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखना प्लीज़, क्योंकि जो नए व्यूअर्स होते हैं ना तो उनको तो मैं एकदम से नहीं कह सकती हूँ, लेकिन आप मेरी फैमिली का एक हिस्सा हो गए हो और आप पर मुझे पूरा पूरा भरोसा है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ना तो स्किप करना, और जब टाइम लगे तभी देखना। और चलिए फिर कल मिलते हैं, और बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है, रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो मैं इस वीडियो का एंड कर देती हूँ यहाँ पर, और मिलती हूँ आप लोगों से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।